नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज बिहार। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। मुजफ्फरपुर के फकुली ओपी क्षेत्र में 8 अक्टूबर को हुई घटना के मामले में एडीजी बिहार पुलिस के द्वारा जारी किया गया बयान। 3 पुलिसकर्मी पर कार्रवाई के बाद अब फकुली ओपी के प्रभारी से मांगी गई पूरे मामले में स्पष्टीकरण। एडीजी मुख्यालय द्वारा इस पूरे मामले में जारी किया गया है आधिकारिक बयान। मुजफ्फरपुर जिले शव को नहर में फेंक दिए जाने के मामले को पुलिस ने बेहद गंभीर स्वीकार किया है और वीडियो में दिख रहे पुलिसकर्मी और गृह रक्षक को निलंबित कर दिया गया है और इस मामले में ओपी के प्रभारी से मांगी गई है पूरी जानकारी। साथ ही मामले में जांच आगे की पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। एडीजी जेएस गंगवार ने बताया कि इस मामले में घटना में शामिल वाहन की जांच करवाई जा रही है। 8 अक्टूबर को सुबह करीब 5:30 बजे मुजफ्फरपुर जिला के फकुली ओपी अंतर्गत नेशनल हाईवे पर एक व्यक्ति की एक्सीडेंट हो जाने के कारण सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। सोशल मीडिया पर सब के कुछ हिस्से को नहर में फेंकने का वीडियो वायरल हुआ, उसकी तुरंत जांच कराई गई। इस घटना में जो भी कार्रवाई दिख रही है वह नियम और कानून सम्मत नहीं है, वो अमानवीय प्रतीत हो रही है। हमने इसको पूरी गंभीरता से लिया और इस वीडियो में दिख रहे 3 पुलिसकर्मी को प्रथम दोषी पाते हुए इनके विरुद्ध कार्रवाई भी हमने गंभीरता से की है। चालक सिपाही को जो पुलिस का है उसको निलंबित कर दिया गया है और जो 2 वहां पर गृह रक्षक थे जो सिपाही की वर्दी पहनते हैं, तो उन 2 गृह रक्षकों को ड्यूटी से वंचित कर दिया गया है और इनके विरुद्ध बिहार होमगार्ड एक्ट के तहत इनके होमगार्ड से डिसमिस करने की कार्रवाई की जाएगी और वो सारी प्रक्रिया हम लोग कर रहे हैं। फकली ओपी प्रभारी जो घटना स्थल पर उस समय नहीं थे परंतु जिनकी जिम्मेवारी बनती है उनसे भी स्पष्टीकरण की मांग की गई। अब इन पूरे प्रकरण की जांच करा करके जो गंभीर कार्रवाई है हम लोग इनके विरुद्ध में आगे करेंगे। दुर्घटना कारित करने वाले वाहन ट्रक या और कौन सा वाहन था उसकी हम लोग जांच कर रहे हैं। मृतक की पहचान भी अभी तक नहीं हो पाई है, उस दिशा में भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। सूचना पर पुनः ओपी थाने की फिर बाकी पुलिस दल वहां पहुंचकर फिर शव को कब्जे में ले करके इंक्वेस्ट की प्रक्रिया करके शव का जो हिस्सा सुरक्षित बचा था उसको पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा गया। इस संबंध में फकली थाना कांड संख्या 543/23 दर्ज कर दिया गया और इसका हम लोग अब अनुसंधान। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और बने रहिए लाइव 24 न्यूज बिहार के साथ।